अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। खोलिए बन्ना सा, खोलिए इसे और देख लीजिए अपनी आंखों से इस रपट का सच। अबीर बेटा, ये सही वक्त नहीं है इन सब चीजों के लिए। क्या जरूरत है इस वक्त ये जांच करवाने की? नहीं महाकुम, इस लड़की का सच सबके सामने आना बहुत जरूरी है। हाँ बना सा, बताइए ना क्या है इस रपट में। हाँ हाँ, हम बता रहे हैं, हम भी यही जानना चाहते हैं। नेगेटिव रिपोर्ट है। नेगेटिव रिपोर्ट का मतलब समझ में आता है? इसका मतलब यह होता है कि तुमने जो कहा था कि तुम्हें ब्लड कैंसर है वो नहीं है, और यह रिपोर्ट सीधा अभी हॉस्पिटल से आई एक सील्ड एनवलप में। ये तो गलत हो नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें कोई ब्लड कैंसर की बीमारी नहीं है, तुमने जानबूझ के यह सब किया, क्योंकि तुम एक नंबर की लालची लड़की हो। ये कैसे हो गया त्रिशाला? इस लड़की को तो कैंसर है, हमने खुद रिपोर्ट्स देखी है। विधि की रिपोर्ट्स हमने बदल दी है। दरअसल हमने अबीर को फोन पे हॉस्पिटल में बात करते हुए सुन लिया था। कह रहा था कि विधि को मैं कैंसर टेस्ट के लिए लेकर आऊंगा हॉस्पिटल में। ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ वो जो रिपोर्ट्स लेकर लड़का आता है ना, उसको थोड़े से पैसे दिए, रिपोर्ट्स बदल गए। लेकिन अब दादू साहब के पास जाके हम उन्हें ये रिपोर्ट दिखाएंगे और उन्हें बताएंगे ये लड़की कितनी गरीबी है और इसकी सच्चाई क्या है। उन्हें बता देंगे कि तुमने ये जो कुछ भी किया सिर्फ पैसों के लिए किया, और फिर वो खुद इस लड़की को हवेली से बाहर निकाल। ये ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर किसी ने ये रपट बदल दी है। अबीर, कहाँ जा रहे हैं? ये रिपोर्ट्स आप बाबा हुकुम को दिखाएंगे? क्यों, क्या जरूरत है इसकी? बाबा हुकुम, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं हमें रुकने के लिए? क्यों मना कर दिया हमें ये रिपोर्ट दिखाने के लिए दादू साहब को? दादू साहब को विधि का सच जानना बहुत जरूरी है माँ हुकुम। आप खुद सोचिए, हम कैसे शांत रह सकते हैं जब हम जानते हैं कि वो विधि, वो लड़की इस घर में सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से आई है, और वो हमारे और त्रिशाला के रिश्ते को खत्म कर रही है। आप खुद सोचिए माँ हुकुम, त्रिशाला को कितना बुरा लग रहा होगा। अपने पूरे परिवार के सामने तो कह दिया कि त्रिशाला इस घर में नहीं रह रही है। जब दादू साहब को पता चलेगा कि त्रिशाला इस हवेली में रह रही है, हम दादू साहब और त्रिशाला दोनों के साथ धोखा नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम अभी जा रहे हैं दादू साहब को सब कुछ बताने के लिए, और वो लड़की विधि इस हवेली से बाहर निकलेगी बस। ठीक है, आप सब कुछ बताना चाहते हैं ना बाबा हुकुम को, बता दीजिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, हम रोज चेकअप करते हैं उनका,
कई दिनों से हम देख रहे हैं उनका बीपी बहुत हाई है अबीर। क्या कुछ नहीं सहा उन्होंने आपकी शादी की वजह से? गांव वालों का घर आ जाना, उस सरपंच का हमारे पूरे परिवार को धमकाना और साथ साथ आपकी जान भी खतरे में थी, इस सब की वजह से बाबा हुकुम की सेहत पे कितना बुरा असर है कभी सोचा है आपने? अब जाके उनका बीपी नॉर्मल हुआ है, जब आपने विधि को अपनी पत्नी मान लिया, अब आप जाके दोबारा उन्हें ये रिपोर्ट्स दिखाएंगे, क्या हाल होगा उनका अबीर? सोचा है कभी आपने उनके बारे में? बचपन से लेके आज तक आपने हमेशा अपनी माँ हुकुम का कहा माना है, हमेशा हम पे विश्वास किया है, आज एक बार फिर से कर लीजिए, हमारा यकीन मानिए, कुछ गलत नहीं होने देंगे आपके साथ, और ज्यादा दिनों तक आपको ये नाटक नहीं करना पड़ेगा। करेंगे अपनी माँ पे विश्वास? आप बहुत अच्छे से जानती हैं माँ को कि मैं आपका कहा कभी नहीं टाल सकते। ये विधि का जो भी है ना, प्लीज सब खत्म कीजिए। हमने कहा ना आपसे, हम सब संभाल लेंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की, आप आराम से जाइए। थैंक यू। अच्छा हुआ ये रिपोर्ट्स बाबा हुकुम के हाथ नहीं लगी। सुनो जी, यहाँ वो लड़की विधि है ना, उसे हमारे पास लेके आ। जी, वो तो पोटली लेके निकल गई। क्या, कब, कहाँ गई? अब भाई साहब, बसें कहाँ से चलती हैं? जी वहां से। खमा गणी जी, धन्यवाद। मैं दादू साहब को दिया वचन तोड़ रही हूँ अंबे माँ, पर क्या करूँ, उनकी तबीयत और इस परिवार की खुशी के लिए हमारे को ये करना होगा। विधि, विधि प्लीज रुक जाइए, विधि रुकिए, कहाँ जा रही हो बेटा? डॉक्टर रुकुम, हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं, इस घर में हमारा रहने का कोई मतलब नहीं, त्रिशाला बन्नीसा और उनकी मासा कैसे भी करके हमेशा हमें गलत साबित करेंगे। मैं जानू कि वो जो रपट थी वो उन्होंने बदली है, हम ऐसे नहीं रह सकते, हमने बहुत कोशिश की, हम जानते हैं कि मनीषा मारे से इतनी नफरत क्यों करती है। मैं उनके और बन्नीसा के बीच आई, समझती हूँ, लेकिन आप फिक्र ना कीजिए, हम अपने गाँव ना जाएंगे, वहाँ गए तो गड़बड़ हो जाएगी, अपनी माई को लेके किसी दूसरे गांव चले जाएंगे, ताकि जो हमारा बचा वक्त है हम अपनी माई के साथ गुजारे। बस इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ, इतनी चीजों से गुजर चुकी हो तुम, तुम्हारा दर्द हमें दिखाई देता है, लेकिन बेटा अगर हमें कुछ भी मानती हो तो हमारे लिए रुक जाओ। पर हमारी माई अकेली है, और अगर हमारे पास बस गिनती के दिन बाकी है तो हम अपनी माई के लिए कुछ करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, ताकि अगर हमें कुछ हो गया तो उन पे कभी कोई समस्या ना आए। हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है विधि, हम भी एक माँ हैं, लेकिन क्योंकि हम एक डॉक्टर भी हैं, आपको आज एक सच बताना चाहते हैं। ये बीमारी जो आपको है ना बेटा, वो सिर्फ मरीज को नहीं मारती, साथ साथ उनके आस पास जितने चाहने वाले हैं ना, उनको भी मार देती है। क्या तुम इतनी दर्दनाक जिंदगी चाहती हो अपनी माँ के लिए कि वो तिल तिल करके तुम्हें मरते हुए देखे, हर रोज मरेगी तुम्हारी माँ तुम्हारी ये हालत देख के? इसीलिए हम कह रहे हैं बेटा यहीं रुक जाओ हमारे पास, तुम्हें अपनी माँ की फिक्र है ना, हम वचन देते हैं तुम्हें जिंदगी भर तुम्हारी माँ का ख्याल रखेंगे। बस बदले में हमसे एक वादा कर दो, वचन दो हमें कि तुम इस घर को इस परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। प्लीज विधि, प्लीज। अगर आप हमारी माई का इतना ख्याल रखेंगी तो हम भी एक वचन देते हैं, हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे।
हमें पता है कि बदले में हमें बनीसा और बनासा की सिर्फ नफरत मिलेगी, लेकिन हम झेल लेंगे। हमारे बाबा कहा करते थे कि जिंदगी जियो तो खुल के जियो। अब हम भी वही कोशिश करेंगे और हम अपना वचन निभाएंगे। थैंक यू बेटा। शुक्र है ये विधि झांसे में आ गई, अब हमारा प्लान काम करेगा। राधो साहब, आपने बारी को बुलाया? हाँ बहू, सिर्फ थारे को ही नहीं अबीर बन्ना को ही बुलाया है। कटे रह गया वो? हम आए दादा साहब, हम भी आ गए। अबीर बन्ना, राम सिंह ने मारे को बताया कि कैसे बहू ने थारे को सांप से बचाया है। वैसे जैसे भानु जी आदिनाथ भाई साहब को बचाया करते थे। बड़े भाग्यशाली हैं अबीर बन्ना। वैसे थारे को हमने एक तजुर्बा, एक प्रयोग करने के लिए बुलाया है, जिससे पता चल जाएगा कि थारी शादीशुदा जिंदगी में एक दूसरे के ऊपर कौन भारी पड़ेगा। बहू अपना पैर देखो, दूसरी उंगली पहली उंगली से बड़ी है क्या? हाँ। हाँ दादो साहब, दूसरी वाली उंगली पहली वाली से बड़ी है। इस शादी में तो बहू की ही चलने वाली है। बहू थारे ऊपर भारी पड़ेगी, बच के रहना। हावी तो पहले ही हो चुकी है हम पे। अभी दो दो बार धोखे से शादी करते हैं। अब कुछ कहा आपने? नहीं दादो साहब, इनका कहने का मतलब है कि इन्हें कोई समस्या नहीं कि मारी चले शादी में। हमने ऐसा कहा कहा? जल्दी फालतू बकवास कर रही है। तो क्या कहा आपने? हाँ बन्ना साहब बताइए ना, क्या कहा आपने? हमने जो भी कहा दादो साहब वो छोड़िए। हाँ हम खुश हैं, इनकी चलेगी, चल रही है। अबीर बन्ना, जैसे आप कह रहे हैं उससे तो लगता है कि बहू अभी सही आपके ऊपर हावी हो गई है। अरे रुकिए तो, इधर आइए, मेरी बात सुनिए। ये लीजिए, ये पीजिए। पीजिए? क्यों पिए, हम क्या है ये? इसे डिटॉक्स जूस कहते हैं। इससे ना बॉडी में जितना भी जहर होता है वो सारा का सारा निकल जाता है, इसलिए आपको इसको पीने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आप पता नहीं तो धतूरा खा के आए हैं या दूसरा कोई नशा करके आए हैं। हम क्यों नशा करने लगे? ऑब्वियसली आपने नशा किया हुआ है, वरना आप अबीर साहब को क्यों रोकती बाबा हुकुम को सब कुछ सच बताने से? हाँ मम्मी साहब, एक तो ना ही केवल आपने अबीर को रोका, आपने उस विधि को भी रोक लिया। जा रही थी ना वो अच्छा खासा, क्या जरूरत थी उसे रोकने की मम्मी साहब? आपने 100% कोई नशा किया हुआ है और इस नशे को ना हम ही उतारेंगे। लीजिए पीजिए इसे। Stop it! बंद कीजिए ये नाटक। हो क्या गया है आप लोगों को, कुछ भी याद रहता है? दिमाग खराब तो आप दोनों का हुआ है, कुछ भूल नहीं रहे आप दोनों कि हम उस लड़की विधि को इस घर में लाए क्यों थे? कुंडली दोष की वजह से। वो कुंडली दोष जो इतना शक्तिशाली है कि जब भी हमने अबीर और त्रिशाला की शादी करवाने की कोशिश की, क्या हासिल हुआ हमें? नाकामयाबी। की थी ना हमने कोशिश, करवा पाए हम आप दोनों की शादी? नहीं ना, क्योंकि जब तक हम बलि नहीं देते ये दोष मिटेगा नहीं। आप ये जानती ही नहीं कि बलि देने के कुछ नियम, कुछ कायदे कानून होते हैं। बस यही सब कुछ सोच के तो हमने उस विधि को इस घर में रोक लिया। जब तक वो विधि मरेगी नहीं तब तक अबीर और त्रिशाला की शादी नहीं हो पाएगी। त्रिशाला बेटा, आप तो अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा समझदार हैं।
इसलिए आप अच्छी तरह से ये समझ सकती हैं कि उस विधि का इस घर में रहना कितना जरूरी है। है ना बेटा, आप उससे अच्छा बर्ताव नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, पूरा बर्ताव कीजिए, लेकिन यहाँ इस घर में रख कर। और आप समधन सा, ये जूस जो आप हमारे लिए लाई है ना, इसे साइड में रखिए, हम कुछ देते हैं आपको। ये लीजिए, बादाम खाया कीजिए ताकि आपकी याददाश्त ताजा रहे और आपको ये याद रहे कि हमने प्लान क्या बनाया है। हमारी बीपी की दवाई लेने का समय हो गया है, देखना वहां कहीं रखी होगी, लाना। जी दादा सर। हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम जाओ वहां दादू साहब के साथ बैठो, हम जाके दवाई लेके आ रहे हैं। और वैसे भी और तुम्हारे साथ बैठ के हम नाटक नहीं करना चाहते खुश होने का। हम भी दादू साहब के सामने ना झूठी खुशी नहीं दिखा सकते, इसलिए आप जाके बैठिए, हम दवाई लाते हैं। हम कह रहे हैं आप जाके बैठिए। आप जाके बैठिए। अरे हो गया तू तू मैं आपका। अरे दोनों कटे रह गए, क्या फुसर फुसर कर रहे हो? दादू साहब कुछ नहीं, बस वो फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ रहे थे, अभी हम लेके आ रहे हैं। तुम पानी लो, वहां से जाके वो बॉक्स लेके आ रहे। जैसे चंदा चांदनी साथ साथ, जैसे राग रागिनी साथ साथ, जैसे बरखा बादल साथ साथ, जैसे बरखा साजे साथ साथ। त्रिशाला, आप कुछ खाएंगी? नहीं, मन नहीं। हाँ, होगा भी कैसे, बुरा तो हमें भी बहुत लग रहा है जो हुआ आपके साथ। उस गवार विधि को ना, मतलब अबीर बन्ना को छीनकर आपसे अच्छा नहीं गया, पर हमारे लिए तो आप ही हैं हमारी भाभी सा। कहाँ आपको अबीर बन्ना के कमरे में होना चाहिए था, कहाँ यहाँ आपके साथ ये सब कुछ। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप सही कर रही हैं, आपको पीछे नहीं हटना है, हक है आपका। कहाँ खो गए आप? पता नहीं क्यों हम इस दरवाजे की ओर खींचे चले जाते हैं। कुछ तो है इस दरवाजे के पीछे जो हमें बुला रहा है। वैसे ये तो हवेली का सबसे बड़ा कमरा है, आपको तो यही रहना चाहिए। हाँ, हक से। और वैसे भी गेस्ट रूम बहुत छोटा है। हाँ, यही रहेंगे हम सबसे बड़े कमरे में, हक से। कैची लेके आते हैं हम, वो धागा है उसे काटने के लिए, कैची लेके आते हैं।
ये वर्जित कमरा है जिसे दादा साहब ने 80 वर्षों से बंद रखा है। अगर त्रिशाला उसे खोलकर उसमें रहने लगे तो दादा साहब को खबर लग जाएगी। वो जान जाएंगे कि विधि के होते हुए भी त्रिशाला इस घर में रह रही है। अरे क्या हुआ, कहां रह गए दोनों? दादू साहब कुछ नहीं, वो दवाई लेने गए थे आपकी। ये लीजिए। दादू साहब, ये बिजली को क्या हो रहा है? कुछ नहीं है, वो वायरिंग खराब हो गई है। पुरानी हवेली है ना, ऐसे ही है, जलती बुझती रहती। आप करिए। दादू साहब, ये बुरी शक्ति यहाँ क्यों है? ये क्या हो रहा है अंबे माँ? बुरी शक्ति, अंबे माँ? किसी ने वो काला दरवाजा तो नहीं खोल दिया?